नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपके एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो खास स्पेशल होने वाला है हमारा शैशल ईस्ट अफ्रीका के लिए। ईस्ट अफ्रीका की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए एक इंटरव्यू आया हुआ है। उस इंटरव्यू में हमें कौन सा ट्रेड चाहिए और कितनी सैलरी मिलेगी, ये तमाम जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शैशल ईस्ट अफ्रीका की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए हमें डीजल मैकेनिक चाहिए, जो मेरे भाई डीजल मैकेनिक का अच्छा काम करते हैं और साथ में उनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है। मैं गल्फ एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस इंटरव्यू में केवल मेरे गल्फ एक्सपीरियंस भाई जा सकते हैं। एज जो है 40 साल से कम होना चाहिए। पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो ECR और ECNR दोनों पासपोर्ट मान्य हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास डीजल मैकेनिक का गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं शैशल में जाने के लिए, ईस्ट अफ्रीका में जाके अच्छे पैसे कमाने के लिए, वो मेरे भाई अपना डॉक्यूमेंट मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है amitkiawaz@gmail.com, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट कैसे मेल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेल करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बात बन सकती है। सबसे पहले दोस्तों, डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए आपका बायोडेटा। बायोडेटा में सबसे ऊपर आप लिखेंगे डीजल मैकेनिक और आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, जो कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे व्हाट्सएप चलता है और वो हमेशा ऑनलाइन एक्टिव रहे। क्योंकि पहला राउंड क्या है कि आपके ऊपर फ़ोन आएगा, आपके मोबाइल पे फ़ोन आएगा, कुछ सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे डीजल मैकेनिक से संबंधित। अगर उस इंटरव्यू में आप पास हो जाएंगे तो फाइनल जो इंटरव्यू होगा वो होगा गोरखपुर ऑफिस में। उस दिन आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ ऑफिस में आना होगा और उस दिन होगा आपका जूम इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू। क्लाइंट सेशल से आपके साथ जुड़ेंगे और सवाल जवाब होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना बायोडेटा के साथ साथ गल्फ का डीजल मैकेनिक का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, साथ में पासपोर्ट का जीरोक्स कॉपी, ताकि आपकी एज पता चल सके कि 40 साल से ज़्यादा एज ना हो। पासपोर्ट के साथ साथ गल्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप गल्फ में काम किए हैं लेकिन किसी कारणवश अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप इंडिया में भी किसी भी कंप्यूटर की दुकान से एक सर्टिफिकेट बना के उसमें डॉक्यूमेंट में आप लगा सकते हैं और मुझे आप मेल कर दीजिए। अब बात करेंगे हम सैलरी की, कि कितनी सैलरी आपको इसमें मिलेगा। दोस्तों इंडियन करेंसी में आपको बता रहा हूँ मिलेगा 42,500 इन हैंड। फूड जो है आपका इसी सैलरी के अंदर है। कंपनी जो है आपको किचन की फैसिलिटी देगी और बाकी जो भी आपको फूड जो बनाना है वो खरीद के आप अपना बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे सैलरी तो आपका सेशल की करेंसी में देखा जाए तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह कट के 42,500 आपको इन हैंड मिलेगा 8 घंटे की बेसिक ड्यूटी का। इसके बाद से अगर काम चलता है, ओवर टाइम चलता है, तो आपको अलग से पैसा मिलेगा। फूड जो है आपका इसी सैलरी में है। तो बहुत सारे भाई मेरे को फ़ोन करके पूछेंगे, इसलिए मैं आपको पहली बता दिया हूँ, फूड जो है आपका इसी सैलरी में है और टोटल सैलरी जो इन हैंड मिलेगा 8 घंटे का वो है 42,500 रुपया। तो जो मेरे भाई इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं और जिनको डीजल मैकेनिक का अच्छा काम मालूम है और वो भाई के पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो फटाफट आप अपना डॉक्यूमेंट मेल करें। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट आगे जाएगा और आपके ऊपर कॉल आएगा। कॉल आने के बाद जब आपका कन्फर्म हो जाएगा, फिर एक फाइनल डेट रखा जाएगा गोरखपुर में। उस डेट को मेरे सारे भाई जो डीजल मैकेनिक में फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए हैं, उनका सेकंड राउंड जो है ऑनलाइन क्लाइंट के साथ इंटरव्यू होगा, जूम इंटरव्यू होगा, और उसके बाद से फिर मेडिकल का प्रोसेस और जाने आने का जो भी होगा वो आगे का होगा। तो फिलहाल दोस्तों, जो जो मेरे भाई डीजल मैकेनिक है और ईस्ट अफ्रीका में जाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कुछ और आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना मैसेज कि सर इसके बारे में और बताइए। फिलहाल दोस्तों, आप सब दोस्तों का दिल से धन्यवाद।